नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे का चैलेंज, मैं जाऊंगी पाकिस्तान, रोक सको तो रोक लो। जी हां, शिल्पा शिंदे का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आप देखिए किस तरह से शिल्पा शिंदे चैलेंज कर रही हैं। एक बात सुनो, आर्टिस्टों को काम करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसीलिए ये दादागिरी है कि जो उनके साथ काम करेंगे उनको बैन कर दिया जाएगा। देखो, ये FWICE कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और ना ही BN तिवारी कोई प्राइम मिनिस्टर है। प्लीज़, ये सब बकवास है। अपनी अकल लगाओ आर्टिस्टों। आप एक दिन आप टीवी सीरियल के लोगों को खास बोल रही हूँ, एक दिन अपनी शूटिंग बंद रखोगे ना, सबकी वाट लगेगी। प्लीज़ बी टुगेदर, प्लीज़ यूनाइटेड रहो। और इस तरह से BN तिवारी को बोलो, अपने फेडरेशन के लिए, अपने वर्कर्स के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कितनी हेयर ड्रेसर हैं जिनको बोला जाता है आपको प्रोडक्शन मैनेजर के साथ सोना पड़ेगा, आपको हमारे साथ सोना पड़ेगा और फिर काम मिलेगा, उसके बाद उनका कमीशन भी लिया जाता है। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम कर किया जाता है। पिछले स्ट्राइक में BN तिवारी जी ने किया क्या, ज़रा मुझे बताओगे? हाँ, ये सब दादागिरी है और कुछ नहीं है। मिका पाजी, मैं आपके साथ हूँ और मिका पाजी को किसी की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, लेकिन ये सब बकवास है। प्लीज़ सारे आर्टिस्ट, मेरी रिक्वेस्ट है, साथ में रहो। सिर्फ मुंह पे चूना लगा के अपने घर चल रहे हैं ना, तो चलने दो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। प्लीज़ मत करो, प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। बिग बॉस 11 के विनर और टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है से मशहूर हुई शिल्पा शिंदे ने मीका सिंह पर लगे बैन का विरोध किया है। शिल्पा शिंदे ने मीका सिंह पर लगाए बैन को गलत बताया है, साथ ही उन्होंने बैन लगाने वाली फेडरेशन को भी चैलेंज किया है। मैं पाकिस्तान जाऊंगी और अगर वो मुझे रोक सकते हैं तो रोक लें। वहीं शिल्पा का कहना है कि उन्हें भारत के लिए प्रेम दिखाने के लिए क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना आवश्यक है, साथ ही देशभक्ति दिखाने को लेकर भी कई कमेंट किए। शिल्पा शिंदे का कहना है कि मीका सिंह के पाकिस्तान में प्रदर्शन की आलोचना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छे सिंगर्स होने के बावजूद ही मीका सिंह को बुलाया गया था। उन्होंने सवाल उठाया, अगर भारत सरकार किसी भी चीज को वीजा दे रही है तो फेडरेशन कौन है जो उन्हें रोक सकता है, वो कैसे उन्हें रोक सकते हैं? मैं फेडरेशन से कहना चाहूंगी कि इंडस्ट्री में कई दिक्कतें हैं, उनसे डील करें और कृपया उनका हल निकालें। लोग अभी भी 12-15 घंटे काम कर रहे हैं जबकि नियम है 8 घंटे की शिफ्ट की। आपको बता दें, शिल्पा के फैन पेज से उनका ये वीडियो सामने आया है जिसमें शिल्पा शिंदे मीका के समर्थन में बोलती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों सिंगर मीका सिंह के कराची में पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदार की शादी में डांस करने का वीडियो सामने आया था। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मीका सिंह का वहां जाकर परफॉर्म करना लोगों को पसंद नहीं आया। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने मीका सिंह को बैन तक कर दिया। बाद में मीका की माफी मांगने के बाद सिंगर पर लगा बैन हट भी गया और अब शिल्पा शिंदे ने मीका सिंह का कुछ इस तरह से सपोर्ट किया और इस वीडियो में किया खुला चैलेंज। आपको बता दें, इस वीडियो को शिल्पा के भाई ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।